पंजाब सरकार ने कीता ऐलान, सिद्धू मूसेवाले दे नां ते रख्या जावेगा रोड दा नाम। 29 मई 2022 दे विच सिद्धू मूसेवाले नूं पिंड ज्वारके दे विच दिन दिहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां मार के हत्या कर दी गई सी, जिसकी जिम्मेवारी विदेश बैठे गोल्डी बराड ने लई सी, जिस तक प्रशासन हजे तक पहुंच नहीं सकिया अते हजे तक सिद्धू मूसेवाला नूं इंसाफ नहीं मिल सकिया। सिद्धू मूसेवाला दे चाहण वाले अते उन्हां दा परिवार हजे तक प्रशासन वल देख रहा है कि कदों सिद्धू मूसेवाला नूं इंसाफ मिलेगा। सिद्धू मूसेवाला दे इस हत्याकांड का कारण उन्हां दी कटाई की सुरक्षा सी अते सुरक्षा कटाउण दी खबर नूं जनतक करन तों बाद पंजाब सरकार ते सवाल खड़े कीते गए सी, जिस ते 26 जनवरी दे मौके ते मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला केस की जांच चल रही है ते जेकर सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा लीक करन दे विच किसे पार्टी मैंबर का हाथ सामने आता है तो उसनूं बख्शिया नहीं जाएगा। 26 जनवरी दे मौके ते जिथे 400 मोहल्ला क्लीनिकां दा शुभ आरंभ कीता गया है पंजाब सरकार वल्लों, उत्थे ही इस मौके ते पंजाब सरकार ने मूसेवाला नूं लै के इक वड्डा ऐलान भी कीता है। इस मौके ते सेहत मंत्री बलबीर सिंह मानसा पहुंचे अते उन्होंने ये ऐलान कीता कि पंजाब दे मानसा दी इक सड़क दा नां मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दे नां ते रख दिता है। राम दत्ता रोड दा नां बदल के मूसेवाला दे नां ते रख्या जावेगा। इस मौके मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि साडे मन विच सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता लई बहुत सत्कार है अते असी उन्हां दी पीड़ा समझते हाँ अते उस पीड़ा दा कोई हल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मूसेवाला कांड दे सारे आरोपी गिरफ्तार कर ले गए हन अते जो आरोपी विदेश विच बैठे हन उन्हां नूं भारत लियाउण लई सरकार काम कर रही है। मंत्री बलबीर सिंह का कहना है कि पिछली सरकार समय ते डीजीपी ने कहा सी कि पंजाब विच 57 गैंग ऐसे ने जो वारदातां करते हैं ते सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जो इना गैंगस्टरां नूं सलाखां दे पिछे भेज रही है। सो ये सब कहना है डॉक्टर बलबीर सिंह दा। सिद्धू मूसेवाला दे नां ते रखे रोड दे नां बारे तुहाडे की विचार हन, अपने विचार जरूर सांझे करना ते जुड़े रहना न्यूज़ टाइम पंजाब दे नाल।